हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन थारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये लव राशि फल है, जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके बारे में और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ये रीडिंग स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले या जो लोग सेपरेटेड है वो लोग देख सकते हैं। आपका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हैं, सेपरेटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी रिश्ते में है, आप ओवरऑल ये रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। ठीक है, ध्यान रहे, इस रीडिंग को अपने राशि के अनुसार देखें, जिसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताने वाले हैं। मैं हर मंथ आप लोगों के लिए इस तरीके की राशिफल पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस रीडिंग में जितना डीप एनालिसिस हो सकता है उतना पॉसिबली करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देखें। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम तो नीचे जाकर आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैंने डिटेल्स डाली है, मून साइन के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग भी डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी अपनी राशि समझ नहीं तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पे अपने नाम का पहला अक्षर डालकर उसके बाद उसमें लिख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, गूगल आपको बता देंगे, गूगल बाबा सब जानते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी उसमें भी। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे अवेलेबल है वो ऑप्शन, आप क्लिक करके अपनी श्रद्धा अनुसार पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, और अगर आप लोगों को आगे भी वीडियोस देखती है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ और लाइव क्यू एन ए भी करती हूँ, तो पार्टिसिपेट करने के लिए बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन ताकि आपको रिसीव हो जाए। ओके, सो उसके अलावा बताऊंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, आप अच्छे से जानते हैं ये जो रीडिंग्स हैं वो सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यदि आप लोगों को जो है अपनी रीडिंग्स में कंफ्यूजन फील होती है, लग रहा है आउटकम मैच नहीं हो रहा है या रीडिंग का कुछ ना कुछ इशू है, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, डिटेल स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने चार्जेस को पे करके अपनी बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा और फेसबुक की। ध्यान रखना मैं टिकटॉक, ट्विटर और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, यदि कोई और वीडियो दिखाकर या आपको क्लाइंट रिव्यूज दिखाकर पेमेंट मांग रहा है तो प्लीज उनकी बातों में ना फंसे, अलर्ट हो जाए, वो कोई स्कैम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जो नंबर स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, सिर्फ वही मेरे डिटेल्स है, उसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे या कमेंट बॉक्स में मैं कहीं पे भी कोई डिटेल शेयर नहीं करती। ठीक है, सो आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर है, आप लोग अब रेडी हो अपनी रीडिंग्स को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग्स को। तुला राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगे जुलाई के महीने में। लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस महीने आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस बहुत करने वाले, बहुत ज्यादा आपके प्रति एक क्रेविंग और एक अलग लेवल की अटैचमेंट से उनको फील होगी, और उनका मन बहुत ज्यादा करेगा कि वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करे, वो बहुत दिल से चाहेंगे कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए और पैचअप हो जाए, लेकिन पुरानी कुछ बातें हैं, पुरानी कुछ गलतियां हैं जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, पुरानी कुछ आपकी मिस्टेक्स है जिसको दिमाग से निकाल पाना भी उनके लिए आसान नहीं है। वो आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि आप अपनी गलती को माने, आप अपनी गलती को फील करें, आप उनसे अपोलोजाइज करें, और जो भी उनके साथ आपने किया, मतलब आपने कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं अपनी तरफ से जो उन्हें अच्छे नहीं लगे हैं, वो उन चीजों के लिए आपसे अपोलॉजी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे माफी मांगे, आप उनसे सॉरी बोले, ओवरऑल वो भी आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपको खोने से भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। नाइन ऑफ सोच की एनर्जी ऑब्स्टेकल में नजर आ रही है। आपके पार्टनर एक और चीज मुझे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके प्लेयर एनर्जी से बहुत परेशान है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी है जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको चीट कर रहे हो, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वो आपके बिहेवियर से, आपके पास्ट की एक्टिविटीज से बहुत तंग आ चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बार बार हर्ट कर
रहे हैं, जिसके वजह से वो आपसे दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते, बट वो चाहते हैं कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। वो आपको ज़्यादा मिस करते हुए आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये खिंचाव अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से उन्हें फील हो रहा है। इवन करंट एनर्जी में भी वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो खुद को आगे पुश करने की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। वो कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़ जाएं और आपको भूल जाएं, और कहीं ना कहीं वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से दूर भाग रहे हैं। रीजन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट के इश्यूज हैं, आपकी बातों पे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा। यूनिवर्स मुझे बताएं उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, तुला राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे जुलाई के महीने में उनके लिए। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनिशिएटिव नहीं लेंगे इस महीने, आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने आपको लगेगा कि आपको चीजें ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पार्टनर किसी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उनका दिल ऐसे साफ नहीं होगा, आपको करना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अंदर से रियलाइजेशन आएगी, जिसके चलते आप उन्हें अप्रोच करते हुए, आप उन्हें मनाते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके अप्रोच को पसंद काफी करेंगे, लेकिन वो आसानी से मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी हर तरीके से वो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम लेते हुए आपके बारे में सोचते विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो सोच रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। देर आर चांसेस, आप में से काफी लोगों को मैं बता दूं, तुला राशि वालों, आप में से काफी लोगों को मैं ये बात गाइड कर लेती हूँ, आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आपका आना उन्हें कंफ्यूज करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रेडी नहीं है। बट आपका अप्रोच भी सही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनसे गलतफहमियां दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज राइट, अच्छा है। लेट्स सी, आपके पार्टनर बेसिकली चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सप्लेन करें, क्लैरिटी दें, उन्हें मनाएं, उनको एफर्ट डाल के उनका दिल जीतने की कोशिश करें। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर का, इनके लिए इंटेंशन क्या है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और से बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं और किसी और के साथ संबंध बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से एक पुश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। साइकिल की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो चांसेस है कि ये व्यक्ति आपकी बार बार की कोई साइकिल से परेशान हो चुके हैं, कोई बार बार की बिहेवियर से हर्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से मौका नहीं दे पा रहे हैं आपको। बट देर आर चांसेस कि वो साइकिल आप चला रहे हैं, जिसके वजह से रिलेशनशिप में आप कोई मूवमेंट आए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने वेट किया है। इस महीने आपको लगेगा कि आपको ही कुछ करना पड़ जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर का, इनके लिए, तुला राशि वालों के लिए उनके पार्टनर आखिर इंटेंशन क्या रखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, बट वो लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप, एक सच्चाई ऑनेस्टी वाला, एक स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। वो आपके साथ किसी भी तरीके की कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहें, उनका दिल ना दुखाएं, उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, उन्हें चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अब वो और आपको बार बार ऐसे मौके नहीं दे सकते, जिसके वजह से वो आपको लेकर श्योर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बार बार के धोखे से परेशान हो चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने धोखा दिया है, बट कहीं ना कहीं आपकी कोई बातें इनको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा चुकी है। आपके पार्टनर को बहुत बुरी चोट लगी है आपके किसी बिहेवियर से, जिसको ये माफ नहीं कर पा रहे। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे मिली है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में मुझे कहीं ना कहीं 7 और 4 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा देख नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, तुला राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते में, एडवाइस क्या है। डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ईगो को किल करके अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखने की जरूरत है। फील द लव इन योर रिलेशनशिप, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, आप अपनी रिलेशनशिप में प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट ऐसा लग रहा है कि आपका अप्रोच ऐसा है ना कि आप सामने वाले से माफ़ी कम मांग रहे हो और उसको जता जाता रहे कि देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, देखो तुम पे एहसान किया, तो वो वाला बिहेवियर आपका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप नेगेटिव बहुत हो रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो,
प्लस आपका माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है कि आप बात बोल रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, लेकिन सॉरी भी आपका बहुत वियर्ड है। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं सॉरी माय फुट दीदी, मैं तो सॉरी नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाली, इट्स ओके, बट स्टिल यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। ऐसा दिख रहा है आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। आपकी तरफ से अप्रोच में जो है लव होना चाहिए, लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। मन में प्यार को घुटन में मतलब घुटा के मत रखो कि नहीं नहीं मैं प्यार नहीं एक्सप्रेस करूँ। आप एक्सप्रेस करोगे तभी सामने वाले को पता चलेगा वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके मतलब आप उनसे कितना प्यार करते हैं और आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो आपको लेकर बहुत हर्ट हो चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका इनिशिएटिव, इनके एक्शन सही साबित होंगे, क्या इनके पार्टनर इनके एक्शन से कन्विंस हो जाएंगे इस महीने, जुलाई के महीने, क्या इनके पार्टनर इनके एक्शन से कन्विंस हो जाएंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स स्टार विद क्वीन ऑफ कप्स, कन्विंस हो जाएंगे, बहुत परेशान भी करेंगे पर कन्विंस हो जाएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। वो आपको दोबारा एक मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। एडवाइस अभी देखनी बाकी है, हम लोग देखेंगे एडवाइस। अच्छा एडवाइस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम आपके पार्टनर के मैसेजेस को अब देखने वाले हैं। तो यस मान जाएंगे, थोड़े से नखरे करेंगे पर मान जाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच्ड हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपसे हर्ट भी बहुत आसानी से हुए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या है। पुरानी बातें तुम्हारी बहुत याद आती हैं, आपकी कोई पुरानी बातें नहीं बहुत याद आती हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। मैंने कहा ना ये आपसे बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, ये आपके साथ बिताए हुए लम्हों को, इंटिमेसी को, सबको याद करते हैं, ये आपको अभी देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तुम बहुत झूठ बोलते हो, ये आपसे परेशान है, आपके झूठे इरादे वादे आपकी बातों से, ये ऐसे सोचते हैं कि आप इन्हें मैनिपुलेट बहुत करते हैं। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, आपके पार्टनर को बहुत अकेला महसूस होता है, वो लोनली फील करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं। न्यू पेट, देर आर चांसेस कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई न्यू पेट आया या कि कोई न्यू लव आया है। आप पेट का कंसिडर, पेट और लव को एक साथ ही कंसिडर कर लो आप। मुझे कोई और पसंद है, अभी वो किसी और की तरफ डेटिंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं, वो आपको हर्ट करने की फुल एनर्जी रख रहे हैं। मैं बार बार वापस नहीं आऊंगा, उन्हें लग रहा है कि आप उनको बार बार हर्ट करने के लिए वापस आते हैं। तुम गलत सोच रही हो, आप बहुत गलत सोचते हैं उनके बारे में, आप कुछ गलत बोल देते हैं। देयर आर चांसेस आपने पक्का कुछ बोला है या कुछ किया है जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, आपका कोई बर्ताव उन्हें पसंद नहीं आया। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, आप ही उनकी हिम्मत हो, आप उनकी पॉजिटिविटी हो, आप ही से वो बेटर फील करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट लव, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, आपसे सच्चा लव सच्चा प्यार चाहिए। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस सोचते हैं। लास्टली तुम मुझ पर भरोसा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, इससे उनको बहुत बुरा लगता है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को पीसते हुए नजर आ रहे हो, बट ओवरऑल प्यार दोनों के दोनों करते हो, दोनों एक दूसरे के पीछे पूरे बावले पूरे के पूरे लट्टू हो। ठीक है, तो इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए, इन्जॉय करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओम साई राम।